हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटर टेक। मैं हूँ माया। तो आप लोगों के अभी समर वेकेशन चल रहे होंगे, तो आप लोग बहुत बोर हो रहे होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे काश मैं गेम बना सकता। तो मैं आज आपको एक ऐसा एप्लीकेशन बनाऊंगा जिससे आप गेम बना सकते हो विदाउट प्रोग्रामिंग। तो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आजकल समर वेकेशन में बच्चे नए नए चीज़ें करने की कोशिश करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना खुद का गेम कैसे बना सकते हो, सिंपल इजी। लेकिन वो गेम इतना प्रोफेशनल टाइप नहीं होगा क्योंकि उसमें प्रोग्रामिंग तो है नहीं, लेकिन वो डूडल टाइप गेम होगा जिसके लिए आपको सिर्फ चार चीज़ें चाहिए। एक आपको पेन चाहिए, चार कलर के पेन चाहिए, एक ग्रीन, ब्लू, ब्लैक और रेड, ये चार पेन चाहिए। आपको एक पेज चाहिए वाइट, जैसे कि मेरे पास अभी एक ज्योमेट्री नोटबुक है जिसमें सब वाइट पेज है। ऐसा आपको सिर्फ वाइट पेज चाहिए, इसमें कुछ भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, स्पेशली चार कलरों की। तो आपको इसके अलावा आपको जो चाहिए वो है आपको एक कैमरा, जिसमें फ़ोन चाहिए जिसमें कैमरा हो। तो आप इसलिए आजकल के हर एक फ़ोन में होता है बोलने की बात नहीं, तो भी आपको एक फ़ोन चाहिए जिसमें कैमरा हो और आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना। तो आप देख सकते हैं, देखिए मेरे फ़ोन पे अभी आप देख सकते हैं जिसके ड्रॉ योर गेम नाम है। आपको एप्लीकेशन खोलना है। जैसे ही एप्लीकेशन खुल जाता है आपको यहाँ पर देखो दो चीज़ें मिल जाती है। एक आपको मिलता है क्रिएट मोड और एक मिलता है प्ले मोड। अभी तो मैंने बहुत पहले डाउनलोड कर रहा था तो ये सिंक्रनाइज होकर मेरे उसी लेवल पे चला गया था। तो आपको क्रिएट मोड अनलॉक करने के लिए पहले आपको 5 लेवल खेलनी पड़ती है ताकि आप वो क्रिएट मोड अनलॉक करें। जैसे आप क्रिएट मोड पर क्लिक करते हो आपको यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको जो जो कलर पेन है उसके जो मतलब है वो बताए जाते हैं। जैसे कि ग्रीन का मतलब है बाउंसी ऑब्जेक्ट लाइक ट्रैम्पोलिन, जो रेड का मतलब है वो डेंजरस ऑब्जेक्ट्स यानी कि जिससे आप डिस्ट्रॉय हो सकते हो, और ब्लू का मतलब है मूवेबल और ब्लैक का मतलब है स्टेशनरी। तो आप जैसे क्रिएट के अंदर आते हैं आपको यहाँ पर जैसे कि मिल सकता है आपको यहाँ पर चार ऑप्शन मिलते हैं, एक कैमरा, एक पिक्चर, एक गैलरी, एक ड्रॉ। गैलरी में ये होता है कि आपके पास अगर आपने फोटो खींच के रखी है तो आप वो फोटो उसमें अपलोड कर सकते हैं। दूसरा आपको मिलता है पिक्चर ऑप्शन, ये अपना खुद का कैमरा यूज़ करता है। मैं बोलूँगा ये ऑप्शन ये ना यूज़ करते, आप कैमरा ऑप्शन यूज़ करें। और आपको जो चौथा ऑप्शन मिलता है वो ड्रॉ, ताकि आप इधर ही ड्रॉ करके आप इधर ही ड्रॉ करें और यहाँ पर ही बनाए। लेकिन इसको अनलॉक करने के लिए आपको चाहिए, अब इसको अनलॉक करने आपको 21 इस गेम के कूपन चाहिए। तो ये गेम के कूपन आपको करने के लिए आपको गेम खेलना पड़ता है। आपको मतलब जैसे कि और लेवल्स पार करनी पड़ती है तो आपके ऐसे कूपन कलेक्ट होते हैं। तो ये आप करें, इससे बेटर आप कैमरा से अपने खुद के नोटबुक में भी बना सकते हैं, तो मैं बोलूँगा आप वाइट बोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं ताकि आपके पेज सेव हो जाए। तो मैं अभी गैलरी में से पहले खींची हुई फ़ोटो यूज़ करूँगा। जैसे कि मैंने पहले इस बुक में जैसे कि पहले गेम बना के रखा था, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने एक लेवल बना दी थी अपने हाथों से। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा डार्क ना हो, ज़्यादा लाइट ना हो, और जब इसकी पिक्चर खींचे तो आपकी अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए। इसलिए मैंने पहले ही खींच लिया था। अच्छी लाइटिंग रहेगी तो अच्छा होगा, कम लाइटिंग रहेगी तो वो कलर डिटेक्ट नहीं कर पाएगा अच्छे से। जैसे कि मैंने आपको बोला था, मैं यहाँ पर गैलरी में जाके अपने क्लिक करूँगा, आपको पिक्चर सेलेक्ट करूँगा। जैसे कि अभी इसने खोल दिया है, तो जैसे कि यहाँ पर एक पिक्चर सिलेक्टेड है, मैं ये पिक्चर सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं रिसाइज करूँगा। मैं बोलूँगा आपको जितना चाहिए उतना ही करिए, पूरा इमेज ना लीजिए क्योंकि यहाँ पर बाकी के एक जो कलर रहते हैं हमको सिर्फ इतना चाहिए। मैं इधर ओके करूँगा, इससे आपका ये लेवल तैयार हो जाता है। अभी ये इसको डिटेक्ट करेगा, लेवल में कलर डिटेक्ट करेगा। अब देख सकते हैं अभी हो गया है। तो अब जैसे कि देख सकते हैं ये इमेज लोड हो गई। तो अभी मैंने वहाँ से नहीं करा क्योंकि वहाँ से बहुत टाइम लग रहा था, मेरा फ़ोन पता नहीं क्यों रिकॉर्डिंग के वक्त लैग हो जाता है। तो अभी इतना ये आप जैसे देख सकते हैं इसने डिटेक्ट कर लिया। आप देख सकते हैं इसे पता चल गया वहाँ पर वो ब्लू कलर का मूवेबल ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर रेड कलर का डेंजरस ऑब्जेक्ट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं अपने यहाँ पर अब रिसाइज कर सकता हूँ, ये जो प्लेयर हमें इसे कहाँ रखना है। तो मैं अभी प्लेयर यहाँ रखूँगा। इसके बाद आपको यहाँ पर चार और ऑप्शन मिलते हैं, आप प्लेयर की साइड हाइट एडजस्ट कर सकते हो जो कि अभी 100% पे है। दूसरा आपको जो ऑप्शन मिलता है वो ये है, ये टाइल्स का मतलब है अनलॉक कलर्स, मतलब आप पीछे का बैकग्राउंड कलर भी कर सकते हो। और उसमें आपको करने के लिए 10 कूपन से मतलब आपको 10 और गेम खेलने पड़ेंगे। तो उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पर वापस से ऐड करने के लिए इमेज इसके ऊपर का, और यहाँ पर मिलता है आपको कौन से टाइप का गेम करना है। एक एस्केप गेम मिलता है, दूसरा आपको जो मिलता है वो ब्लू और ब्लू एलिमेंट डिस्ट्रॉय ब्लू एलिमेंट्स, यानी कि जो ब्लू ऑब्जेक्ट्स उसमें रखते हो जितने भी ब्लू ऑब्जेक्ट्स आपको वो सब डिस्ट्रॉय करने पड़ते हैं। दूसरा एस्केप है, एस्केप में आपको क्या करना पड़ता है, आपको इधर से उधर जाके जंप करना रहता है। तो अभी मैं जैसे कि मैं अभी सिलेक्ट करूंगा डिस्ट्रॉय ब्लू एलिमेंट्स, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ मैं यहाँ पर प्ले करूंगा। जैसे कि अब ये चालू हो गया मेरा, यहाँ पर टाइमर चालू रहता है, वहाँ पर एलिमेंट्स कितने हैं, आपको यहाँ पर रिकॉर्ड मोड मिलता है और 2D 3D मोड, आप इधर जाके सेव भी कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं पर अब ये 3D में हो जाता है तो ये और अच्छा लगता है, लेकिन
आप 2D में भी खेल सकते हो। अब जैसे कि इधर मेरा मैंने बोला था ये डिस्ट्रॉय ब्लू एलिमेंट्स है, तो अब ये एलिमेंट ये मैंने बोला था मूवेबल रहते हैं ब्लू, इसे मैं डिस्ट्रॉय करिए लेवल में हो जाती है। तो इससे आप अपने इसे जो लेवल्स है अगर आपको ऐसा लगता है बहुत अच्छी है सब लोगों को देखना चाहिए, तो आप इसे ग्लोबली शेयर भी कर सकते हो। इसके ना एक शेयर का ऑप्शन मिलता है, आप इसे शेयर कर सकते हो ऑनलाइन ताकि दूसरे लोग भी आपका देख सकते हो और दूसरे लोगों का भी आप देख सकते हो। तो आप इससे अपने गेम भी बना सकते हो और दूसरों के आइडिया भी ले सकते हो। जैसे कि इसलिए में आप देख सकते हो यहाँ पर आपको बहुत सारी लेवल मिलती है, आपको लेवल पार करनी पड़ती है। जैसे कि अभी मैं 3rd लेवल पे हूँ, पहले की मैंने लेवल जैसे कि बोला था मैंने पहले ही सॉल्व कर लिया थी सब, तो अभी मैं जैसे कि 3rd लेवल पे हूँ। तो आप ऐसे गेम अनलॉक गेम के फीचर्स अनलॉक करने के लिए गेम खेलना पड़ता रहता है आपको। जैसे अभी बस सिर्फ 3 कूपन है, और अगर कूपन मेरे को चाहिए तो मैं इसे खरीद भी सकता हूँ, लेकिन कूपन खरीदने से बेटर आप इसे खेलिए। तो इसी के साथ मेरा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। वो जो रेड वाला बटन है आपको बस उसे दबाना है, आपके ना पैसे लगने वाले कुछ नहीं होने वाला है। तो इसी के साथ मैं चाहता हूँ बाय। Thank you.